हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। तो जैसे कि आपको पता है, हमारी सीरीज चल रही है ये अबेकस की, ठीक है। इसमें हमने कल टू डिजिट के सम किए थे, आज भी हमारे टू डिजिट के सम है, लेकिन कल थ्री नंबर का एडिशन था, आज फोर नंबर का एडिशन है टू डिजिट में, ठीक है। तो मे भी कल वाली जो वीडियो है वो आपके आपको पसंद आई होगी, और वो आपके लिए मीन्स इम्पोर्टेंट भी होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ हम यही सोचते हैं हर रोज कि हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है। मेरी कोशिश यही होती है कि डेली मैं आपको कुछ ना कुछ नया सिखाऊं, ठीक है। जो भी मेरी वीडियो देखते हैं तो उनको जरूर फायदा हो रहा होगा मेरी वीडियो से। तो चलिए आज करते हैं फोर नंबर्स के टू टू डिजिट वाले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ, ठीक है। सबसे पहले हमेशा टूल पे हमें लेफ्ट हैंड ही यूज करना है। अपर बिट्स को डाउन या अप करने के लिए हमेशा इंडेक्स फिंगर, डाउन बिट्स को अप करने के लिए थंब, डाउन करने के लिए इंडेक्स फिंगर का यूज करेंगे। अब बच्चों में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये भी है, बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमने डाउन बिट्स है, डाउन बिट्स को अगर हम अप करते हैं, ठीक है, तो हमारा ऐड होता है, और अपर बिट्स को अगर हम डाउन करते हैं तो ऐड होता है। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं, कई बार अगर हम इसको डाउन करते हैं तो वो इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपको सिर्फ यही बात नहीं बताई थी, मैंने एक दूसरी बात भी बताई थी। अगर हमारी बिट्स इस वैल्यू बार को टच करती है, चाहे वो अपर बिट्स हो चाहे वो डाउन बिट्स हो, तो वो हमारी ऐड होगी, ठीक है। और जब भी हमारी वैल्यू बार से दूर जाएंगे बिट्स, तो वो उसका सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट ना करें कि अगर हम डाउन कर रहे हैं अपर वाली बिट्स को तो ये माइनस हो रही है, नहीं, क्योंकि ये वैल्यू बार को टच कर रही है, ठीक है। वैल्यू बार को जब टच करेगी तो हमेशा जो हमारी बिट्स होंगी वो ऐड होंगी। दूसरी चीज, बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे हमने टू बनाया, ठीक है, फिर से अगर हमें थ्री ऐड करना है, टू में हमें थ्री ऐड करना है, सॉरी वन बना दिया, चलो वन में अगर हमें थ्री ऐड करना है, तो बच्चे क्या करेंगे, टू को और ऐड कर देंगे, थ्री बना दिया। नहीं, इसको हमें अलग से रखना है, अलग से वो बोल रहा है कि थ्री और ऐड करो इसके अंदर, तो हमें थ्री बिट्स को अप करना है, ठीक है। अगर किसी का भी बच्चा इस टाइप की गलतियां कर रहा है तो प्लीज उसको ये अच्छे से समझाओ, ठीक है, क्योंकि मैंने स्कूल में देखा है बच्चे ऐसी इस टाइप की गलतियां करते हैं, ठीक है। तो ये थी मेन बातें, जो भी मेरे सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती है मैं वही चीज आपके सामने डिस्कस करती हूँ, क्योंकि हर किसी का बच्चा फिर वही सेम सेम तो गलतियां करता है, बच्चा कोई अनोखा नहीं होता, हर किसी का भी बच्चा सेम होता है, सबकी थिंकिंग लेवल सबका सेम होता है, हल्का सा डिफरेंट होता है अप एंड डाउन में, नहीं तो सबके बच्चे सेम होते हैं, ठीक है। तो सेम हमें ऐसे ही करना है, अगर आपका बच्चा भी इस टाइप की कोई गलतियां करता है तो आप उसको अच्छे से समझा सकते हैं। तो चलिए करते हैं सेशन शुरू। आज हमारा सम क्या है, 91 माइनस 70 प्लस 52 प्लस 25। इस टाइप के सम में भी बच्चे गलती करते हैं, उनको ये माइनस का साइन दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी बच्चे क्या करेंगे, मैम किसको हमें ऐड करना है, कौन से नंबर को माइनस करना है। मैंने ये बार बार हर वीडियो में बताया है, जब भी हमारे पास अगर किसी नंबर के सामने कोई भी साइन नहीं है, मीन्स उस नंबर को हमें ऐड करना है, और अगर ये माइनस का साइन, ये तो आप मैथ में भी पढ़ते हैं, फर्स्ट क्लास से बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है प्लस माइनस, ये भी अगर आपको ये माइनस दिखाई दे रहा है, मींस उसको हमें माइनस करना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब करते हैं शुरू। 91, 9 हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे बोले तो टेंस रोड पे, ठीक है, क्योंकि ये टेंस का नंबर है, ये हमारे वंस नंबर, ये टेंस नंबर, ठीक है। 9 प्लस, सॉरी नेक्स्ट रोड पे 1, 91 बनाना था, तो ये देखो 91 हो गया हमारा 91। नेक्स्ट माइनस 70, अब देखो टेंस रोड से हमें 7 को रिमूव करना है, जब 7 को रिमूव करेंगे तो देखो बिट्स 5 हमारी अप गई है, इसे दूर गई है, और 2 बिट्स और डाउन करेंगे, तो ये हुआ हमारा 7। 0 के लिए 9 बिट्स अप एंड डाउन, देन 52, 5 हमें टेंस रोड पे, 2 हमें वंस रोड पे ड्रॉ करनी है, 52, then 25, 2 ones road पे और 5 हमें ones road पे, 10 और ones road। आंसर क्या है हमारा, 98, फर्स्ट आंसर 98, ठीक है, मैं भी समझ में आ गया हूँ। नेक्स्ट हम करने से पहले टूल को क्लियर करेंगे। 30, 3 tens road पे, 0 के लिए ones road पे, लेकिन कोई भी bits up and down नहीं करेंगे क्योंकि वो 0 है हमारा। माइनस 10, 10 के लिए 10 होता है 10, तो 1 हमें 10 रोड से माइनस करना है, और 0 के लिए नो बिट्स अप एंड डाउन,
देन 50, 5 वंस, 10th रोड पे 0, 1st रोड पे 0 के लिए फिर से 9 बिट्स अप एंड डाउन, अगेन -10, -10 के लिए 1 हमें 10th रोड से माइनस करेंगे, 1 बिट्स को ड्रॉ कर दे मींस रिमूव कर देंगे, 0 के लिए कोई बिट्स है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा। आंसर क्या है हमारा यहाँ पे 6 और 1s प्लेस पे 0, तो आंसर क्या हुआ 16। जीरो का फंडा भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम करने से पहले टूल क्लियर करेंगे। 78, 7 एंड 8 पिंच इन का यूज किया मैंने, ठीक है। 11, 1 बिट्स अप थंब से, अगेन 1 बिट्स अप थंब से। -54, 5 हमें 10th रोड से, 4 हमें 1s रोड से रिमूव करना है। देन +10, +10 के लिए 1s रोड पे 0 और 10th रोड पे 1। आंसर क्या है हमारा यहाँ पे 4 और 1s रोड पे 5, आंसर विल बी 45, ठीक है। नेक्स्ट हम करने से पहले टूल को क्लियर करेंगे। 42, 4 एंड 2, 42। 31, 3 बिट्स रिमूव एंड 1 बिट्स रिमूव, ठीक है। 23, 2 बिट्स अप एंड 3 बिट्स अप। देन 15, 1 बिट्स अप एंड 5 बिट्स डाउन, आंसर विल बी 49। आप रीड कर सकते हो ये 4 वंस रोड पे 9, 49, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सम, 5 सम की तरफ। 5 सम में हमारा क्या दे रखा है, सबसे पहले हमने टूल को क्लियर किया है। 79, 7 को हमें 10th रोड पे ड्रॉ करना है, 9 को हमें 1s प्लेस रोड पे, 79 आप देख भी सकते हो। -25, 2 को हमें 10th रोड से रिमूव करना है और 5 को हमें 1s रोड से रिमूव करना है, तो फिर अब भाई हमें आंसर क्या आया 54। नेक्स्ट 25, 2 को हमें 10th रोड पे ड्रॉ करना है, 5 को हमें 1s रोड पे, ठीक है, ऐड किया है ये हमने। -22, 2 को रिमूव करेंगे 1s रोड से, 2 को रिमूव करेंगे 10th रोड से, आंसर क्या है हमारा 57, ठीक है। ये थे डायरेक्ट सम टू डिजिट के, ठीक है, मे भी अच्छे से समझ में आए होंगे आपको। जो भी मेरे सामने डाउट आता है वो मैं आपके सामने डिस्कस करती हूँ। आपके बच्चे भी अगर इसी टाइप की कोई गलती करते हैं तो उन गलतियों को दूर करने के लिए आप उन्हें बार बार समझाएं और वो गलतियां नहीं करेंगे फिर से। तो बार बार ऐसे ही सम की प्रैक्टिस करवाते रहो अपने बच्चों से, आपके बच्चे भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे अबेकस में, ठीक है। तो कल मैं कोशिश करूंगी विजुअलाइजेशन का, क्योंकि विजुअल जैसे कि हैंड पे करते हैं हम, तो कल हम विजुअल का करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।